विधानसभा में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का दिखाया गया आंकड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रति छात्र खर्च में भी चौंकाने वाली बढ़ोतरी दर्ज की। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई के दरमियान बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का हंगामा, पूरे सत्र के लिए किए गए निष्कासित विरोध में बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। सीएम केजरीवाल, नितिन गडकरी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल और अमित सिब्बल से भी माफी मांगी, बोले केजरीवाल मैं अपने बयान को वापस लेता। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केजरीवाल की माफी पर केजरीवाल को किया माफ, पहले की बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कही बात, कहा कुछ साल पहले मेरे और बेटी के ऊपर निराधार आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जायसवाल को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत, 53 साल की महिला ने विधायक प्रकाश जायसवाल पर लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। साल 2017 का है मामला, महिला ने विधायक प्रकाश जायसवाल पर करीब 50 लोगों के साथ घर में घुसने और धमकी देने का आरोप लगाया था। गाजियाबाद में मुंबई के कारोबारियों से करोड़ों की लूट, साहिबाबाद इलाके में हुई कारोबारी से गन पॉइंट पर 10 किलो सोने की लूट, पुलिस की वर्दी में आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में गिरा लैंडर, काम करने वाले 8 मजदूर मलबे में दबे, 7 मजदूरों को निकाला गया बाहर। बुहाना पहुंची शहरी स्थानीय निकाय और महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा पिछले 3.5 सालों में बुहाना शहर विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ रहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के बाद कविता जैन ने सोनीपत के इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फैक्ट्री में भीषण आग में हुई मजदूरों की मौत के मामले में कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। बालक लालकुर्ती बाजार में एक बंद मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, घर में पड़े डिओड्रेंट और सेंट के शीशों में प्रेशर बनने से धमाके के साथ आग भड़क गई और उसके बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आज के वक्त परिवार माता के दर्शनों के लिए मनसा देवी दरबार गया हुआ था, पड़ोसियों ने घटना की सूचना परिवार वालों को दी, मौके पर फायर विभाग की गाड़ियां नहीं पहुंची जिससे पड़ोसियों ने आग पर किस तरह से काबू पाया। पलवल में डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तबादला नीति में लगाया समानता का आरोप, कहा नई नीति में केवल जेई को टारगेट किया गया। गुरुग्राम में बीपीएल के नाम पर लूट, मेदांता अस्पताल पर लगा मनमानी का आरोप, बीपीएल कोटे से इलाज करा रहे शख्स का बनाया 7 लाख रुपए का बिल, सीएमओ और डीसी ने की पूरे मामले में जांच की बात। रोहतक शहर में चोरों के हौसले काफी बुलंद है, आदर्श नगर में दिन दहाड़े लाखों की कैश और जेवरात की चोरी करके चोर फरार, जस्टिसून कैद हुई चोरी की वारदात, पुलिस तफ्तीश। यमुनानगर के जोगिंदर नगर में 13 साल के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, बताया जा रहा है कि मोहल्ले के लड़के मृतक छात्र को परेशान करते थे जिससे परेशान होकर छात्र ने खुदकुशी कर ली। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर धोखाधड़ी, साइबर सिटी गुरुग्राम में धोखाधड़ी हुई, सुशांत लोक थाने में दर्ज हुआ मामला, खट्टर सरकार ने हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। दिल्ली का रहने वाला एक शख्स बना ठगी का शिकार, पीड़ित ने कोर्ट में की थी लिखित शिकायत, कोर्ट के आदेश पर गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई, 166 करोड़ रुपए की लागत की 165 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। वेटरन और युवाओं के बीच खेला गया कबड्डी मैच, बुजुर्गों की टीम ने 22 के मुकाबले 28 अंकों से मैच जीता। जिनके हर्बल पार्क में खेला गया मैच, बुजुर्गों ने युवा टीम को 6 अंकों से पराजित किया। राजधानी दिल्ली के मंडावली इलाके में युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है, हालांकि मृतक युवक के परिवार ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर पीट-पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पिछले 3 साल से घर में काम करने वाली मेट गायब है, बेटी की तलाश में अब उसकी मां पुलिस थानों के चक्कर काट रही है। सरता विहार थाने की पुलिस ने जेब कतरा गैंग के 8 जेब कतरों को गिरफ्तार किया, बसों में काटते थे लोगों की जेबें, गिरफ्तार आरोपियों में 28 महंगे मोबाइल भी बरामद।
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यंग इंडियन कंपनी को 10 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट का 5 करोड़ रुपए 31 मार्च से पहले और बाकी बचे रुपए 1 अप्रैल से पहले जमा करने का निर्देश।